नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान हुई बातचीत का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला ने सीएम को कहा, मेरी तो यही मांग है कि यहाँ एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम कर सकें, हमें रोजगार मिल जाए। इसके जवाब में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, अगली बार चांद के ऊपर जाएगा चंद्रयान 4, तुमको उसमें भेजेंगे। सीएम की इस बात पर वहाँ सबकी हंसी छूट गई। इसके बाद सीएम ने महिला को नीचे बैठा दिया। इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस ने मनोहर लाल खट्टर का वीडियो साझा किया है, साथ ही लिखा है, बीजेपी के मुख्यमंत्री की सोच देखिए। हरियाणा में एक महिला ने सीएम खट्टर से कहा कि उसके क्षेत्र में फैक्ट्री लगा दी जाए जिससे उसे और दूसरी महिलाओं को काम मिल सके। इसके जवाब में सीएम चेहरे पर बेशर्म हंसी लिए कहते हैं, अगली बार तुम्हें चंद्रयान से चांद पर भेजेंगे, और उस गरीब महिला की वाजिब मांग का मजाक उड़ाते हुए उसे बैठ जाने की हिदायत देते हैं। कांग्रेस ने कहा कि सीएम खट्टर ने बिल्कुल वही किया है जो बीजेपी और आरएसएस की सोच है। बीजेपी और आरएसएस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, उनके लिए जगह नहीं है, लानत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर निकाली गई ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर 7 सितंबर यानी आज संविधान को बचाने के लिए भारत जोड़ो पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जनों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के साथ चलकर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। ये यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में निकाली गई। इसके वीडियो भी कांग्रेस नेता साझा कर रहे हैं। हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीडियो साझा करते हुए कहा कि आज झज्जर में ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पदयात्रा निकाली गई। इसके अलावा राहुल गांधी ने यात्रा का एक वीडियो साझा कर कहा है, भारत जोड़ो यात्रा की एकता और मोहब्बत की ओर करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की बुनियाद बने हैं। यात्रा जारी है, नफरत मिटने तक, भारत जुड़ने तक, ये वादा है मेरा। इसके अलावा प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल और बाकी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने यात्रा को लेकर बयान दिए। कांग्रेस ने अब टीवी मीडिया को चैलेंज कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है, प्रिय एंकर्स, आपके शो में राजनीतिक विश्लेषक के भेष में भाग लेने वाले हर संघी के लिए हम भी एक राजनीतिक विश्लेषक भेजेंगे। उन्होंने कहा, अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आप हमारे बिना भी खुशी खुशी अपना एजेंडा जारी रख सकते हैं। ऐसे किसी भी शो में कांग्रेस भाग नहीं लेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कह दिया है कि हमने चुनाव से पहले कहा था कि कर्नाटक के लोगों को मिलने वाले चावल से 5 किलो ज़्यादा दूंगा। सरकार ने मुफ्त चावल को घटाकर सिर्फ 5 किलो कर दिया। हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लिखा कि हम चावल खरीदना चाहते हैं। FCI ने हमें विश्वास दिलाया कि चावल मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि क्या बीजेपी गरीबों की सरकार है? ये नहीं है। हमने फ्री में चावल नहीं मांगा था, हम प्रति किलो के 36 रुपये देने को तैयार थे। आप सभी को ये तय करना होगा कि वो कितने नीच हैं, वो गरीब विरोधी हैं, वो अमानवीय हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के केंद्र सरकार और बीजेपी को नीच कहने को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा, ये लोग प्रधानमंत्री मोदी से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया और कांग्रेस ने पीएम मोदी को नीच कहने का प्रयास किया। इससे पहले भी मणिशंकर अय्यर ऐसा कह चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी गरीब परिवार से आते हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार के चेलों को जलन है कि नरेंद्र मोदी जिस सीट पर बैठे हैं वो हमारी है, गरीब आदमी कैसे बैठ गया। इस कारण ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अब सनातन धर्म विवाद पर कहा है कि बीजेपी ढोंगी है, पगलाया हुआ है, कोई कुछ ना कुछ बात पर बात बनाता है, जिसको जो लगे, सबका मालिक एक है, राम कहो या रहीम कहो। समाचार एजेंसी NI ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें लालू प्रसाद यादव जन्माष्टमी मनाते हुए दिख रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने गुरुवार को अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने सनातन धर्म के भेदभावपूर्ण सिद्धांतों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और उनका इरादा किसी भी धर्म या मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हालांकि ये भाजपा समर्थक ताकतें थीं जिन्होंने झूठी कहानी बुनी, उन्होंने अफसोस जताया। उदयनिधि ने सनातन सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। उनका किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। स्टालिन ने एक बयान में कहा, भाजपा समर्थक ताकतें दमनकारी सिद्धांतों के खिलाफ उनके रुख को बर्दाश्त करने में असमर्थ हैं और उन्होंने एक झूठी कहानी फैलाई है।
जिसमें आरोप लगाया गया है कि उदयनिधि ने सनातन विचारों वाले लोगों को खत्म करने या नरसंहार का आह्वान किया था, लेकिन उदयनिधि ने कभी भी तमिल या अंग्रेजी में नरसंहार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी ऐसा दावा करते हुए झूठ फैलाया गया। एक और जहां इंडिया गठबंधन उदयनिधि के बयान से उबर ही रही थी, अब डीएमके मंत्री ए राजा ने परेशानी बढ़ा दी है। ए राजा ने कहा है कि सनातन पर उदयनिधि का रुख काफी नरम था। उन्होंने कहा कि एक समय पर कुष्ठ रोगों को सामाजिक अपमान के रूप में देखा गया और अब HIV को उसी रूप में देखा जा रहा है। हमारे अनुसार हमें सनातन धर्म को एक ऐसी बीमारी के रूप में देखना होगा जिसे कुष्ठ रोग और HIV की तरह सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। डीएमके नेताओं की ओर से आते इन बयानों की वजह से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में असहजता की स्थिति पैदा हो रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने गुरुवार दोपहर डीएमके मंत्री ए राजा पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि यह स्पष्ट रूप से नफरती भाषण है जिसमें भारत की 80% जनता को निशाना बनाया गया है। ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का असली चरित्र है, जिसे लगता है कि हिंदुओं का अपमान करके ही चुनाव जीते जा सकते हैं। क्या मुंबई की बैठक में यही तय किया गया था? ए राजा के बयान के बाद अब कांग्रेस उनके बयानों से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये सर्वधर्म संभाव में विश्वास करती है, जिसमें कोई भी किसी विशेष धर्म को किसी अन्य धर्म से कम नहीं मान सकता है। कांग्रेस इनमें से किसी भी टिप्पणी में विश्वास नहीं करती है। पवन खेड़ा ने कहा कि संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता। खेड़ा ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी दल सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। दरअसल 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा कांग्रेस और डीएमके भी हैं। हालांकि अब तक राहुल गांधी की ओर से इस तरह के बयानों पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है, वो इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद बयान पर अब तक कोई प्रतिक्रिया ना देने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश जी बहुत खामोश हो जाते हैं, कुछ परेशान भी दिखते हैं, क्या बात है? लालू जी का दबाव बहुत बढ़ रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू जी का दर्द बहुत सीधा है कि बेटों को मुख्यमंत्री बनाओगे। नीतीश कुमार का दर्द है कि PM पद की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही, तो CM पद क्यों छोड़ूं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, उदयनिधि स्टालिन का बयान आए 5 दिन हो गए। राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जबान बंद है, वो अपने जबान कब खोलेंगे? क्या सनातन को खत्म किए बिना नहीं खोलेंगे? उन्होंने स्टालिन के बयान के लिए इंडिया गठबंधन के इन साथी नेताओं से माफी मांगने को कहा है। गिरिराज ने कहा, अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो देश का सनातन, बिहार का सनातन एक एक पाई का हिसाब लेगा। जब शनिवार से G20 शिखर सम्मेलन हो रहा होगा, तो दिल्ली कुछ महीने पहले जैसी लुक से काफी बदली बदली सी दिखाई देगी। चमक दमक होगी, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय शहर की तरह आकर्षक होगी। 4,100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। सड़क पूरी तरह सुडौल होगी, कहीं गड्ढों का नामो निशान तक नहीं होगा। फुटपाथ बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप, ना तो उस पर अतिक्रमण होगा और ना ही गंदगी होगी। रोड किनारे लगे साइन बोर्ड दुरुस्त और बिल्कुल सही जगहों पर होंगे। सड़क की रोशनी भी पूरी तरह दुरुस्त होगी। यातायात पुलिस भी अपनी जगह पर चुस्त दुरुस्त होगी और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद सख्त होगी। ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि शनिवार से शुरू होने वाले 2 दिवसीय आयोजन से संबंधित खर्चों के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी को सजाने पर 4100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए होटलों में सुरक्षा की अप्रत्याशित व्यवस्था की गई है। हथियार, गोला बारूद और ऐसे ही साजो सामान का बड़ा जखीरा होगा। एक शस्त्रागार की तरह गोलियों के अलावा इन शस्त्रागारों में सैनिकों के लिए भरी हुई मैगजीन, चिकित्सा आपूर्ति, स्टन और स्मोक ग्रेनेड, वायरलेस सेट चार्जर, यहाँ तक कि बैकअप हथियार भी होंगे। इतना बड़ा जखीरा होगा कि आतंकवादी हमले की स्थिति में भी हथियार, गोला बारूद कम ना पड़े। सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी क्यों? दरअसल ये तैयारी है G20 शिखर सम्मेलन के लिए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार G20 शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवादी हमले की स्थिति में गोला बारूद की किसी भी कमी से बचने के लिए खुफिया एजेंसियों ने शहर के होटलों में विशेष शस्त्रागार स्थापित किए हैं। इससे कमांडो को ऑपरेशन के दौरान गोलियों और अन्य साजो सामान की निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी। बिहार चुनाव से पहले 2015 में आरक्षण नीति की समीक्षा की बात कहकर हलचल मचाने वाले RSS प्रमुख मोहन भागवत अब आरक्षण की पैरवी करते हुए दिखाई दिए हैं। भागवत ने बुधवार को कहा है कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज में भेदभाव मौजूद है।
उन्होंने साफ साफ कहा कि आरएसएस संविधान में दिए गए आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करता है। भागवत ने कहा, अगर समाज के कुछ वर्गों को 2000 सालों तक भेदभाव का सामना करना पड़ा तो हम अगले 200 वर्षों तक कुछ परेशानी क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक इन समुदायों को समान अवसर नहीं दिए जाते तब तक आरक्षण जैसे विशेष उपाय जरूरी हैं। लेकिन क्या आरएसएस प्रमुख की राय आरक्षण पर हमेशा इसी तरह से साफ साफ रही है? इससे पहले 2019 में भी उनका बयान आया था, तब भागवत ने कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की जानी चाहिए, यानी उन्होंने आरक्षण पर बहस की वकालत कर दी थी। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में बुधवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेना के बैरिकेड हटाने के लिए हमला किया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने कई राउंड आंसू गैस के गोले ताके। इस घटना में 100 से ज्यादा लोगों को चोट आई। विष्णुपुर के डिप्टी कमिश्नर लोरेम्बम विक्रम ने मीडिया को बताया कि वहां कोई भगदड़ आदि नहीं हुई। गुरुवार को दिन के कर्फ्यू में ढील दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस को सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि 10,000 से अधिक प्रदर्शनकारी मैतेई बहुल विष्णुपुर जिले के फौका कचाओ इखाई और क्वाक्टा कस्बों में एकत्र हुए। सेना के बैरिकेड पर हमले का आह्वान मैतेई समुदाय के संगठन ने किया था। सूर्य की जानकारी एकत्र करने के लिए अंतरिक्ष में गए आदित्य L1 मिशन ने अपनी पहली सेल्फी भेज दी है। इसरो ने गुरुवार 7 सितंबर को इस सेल्फी के साथ ही आदित्य L1 में लगे कैमरे से ली गई पृथ्वी और चांद की फोटो शेयर की। इसरो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर बताया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच एल पॉइंट पर जा रहे आदित्य L1 ने सेल्फी ली है। इसरो की ओर से साझा किए गए 41 सेकंड के एक वीडियो में इस सेल्फी के साथ ही पृथ्वी और चांद की तस्वीर भी नजर आती है। बताया जा रहा है ये तस्वीरें 4 सितंबर को ली गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।